आपका पीआरडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से कुछ संख्याओं का हम लोग वर्ग करना सीखेंगे और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि इसमें केवल दो अंकों का वर्ग करना बताया गया है और कुछ संख्याओं का गुणा करना बताया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो है 25 का वर्ग होगा, 25 का वर्ग होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो और उसका वर्ग करना हो, तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग लिख लेते हैं। जैसे 25 है, 25 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका वर्ग लिखेंगे? 5 का। तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और जो बाकी अंक बचे उसके बाद का संख्या लेके गुणा कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। 2 × 3 कर लीजिए, यानी 3 × 6 हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 625 इसका वर्ग हो गया। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए हमको करना है 35 का वर्ग। 35 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 4 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो 3 और 4 का गुणा कर लीजिए, यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा? 12। एक और देखते हैं। मान लीजिए हमको करना हो 75 का। किसका करना है? 75 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का वर्ग लिख लीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। और 7 × 8 कर लीजिए, यानी कि 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56, यानी कि 75 का ये वर्ग हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है कि 625 का वर्ग होगा। 625 का यहाँ पे वर्ग करना है, 625 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। और 62 के बाद क्या आता है? 63 आता है। 62 के बाद क्या आता है? 63। अब देखिए, 62 × 63 करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 62 × 63 करना है, तो देखिए सबसे पहले इसके इकाई का अंकों का गुणा कर लीजिए, यानी कि द्वितीय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और क्रॉस गुणा कीजिए, तो 36 × 18 कितना हुआ? 18। और इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 12 कितना हो जाएगा? 30। 30 का कितना हो जाएगा? 0। हाथ में या 3, और फिर से दहाई के अंकों का गुणा कर लीजिए, यानी कि हाथ में या 3 और 6 × 6 = 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39, यानी कि इसका वर्ग हो गया 39 × 6, यानी कि 625 का वर्ग हो गया 39 × 6 = 25, 39 × 6 = 25। आइए एक और गुणा करके देखते हैं, दो अंकों का गुणा। जैसे मान लीजिए हमको करना है 84 × 23 करना है, 84 × 23 करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। 84 × 23 करना है, सबसे पहले इकाई का अंक का गुणा कर लीजिए, यानी कि 4 कितना होता है? 12। 12 का 2 हाथ में या 1, फिर सब इसका गुणा कर लीजिए, 8 × 24 24 हुआ, और 4 × 8 इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 32। 32 और 1 33 का 3, 33 का 3 हाथ में या 3, अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 × 16 और 3 कितना होगा? 19। 19 × 32 गुणनफल हो गया। आइए देखते हैं एक और गुणा करके दो अंकों का। मान लीजिए हमको गुणा करना है 95 × 92 का। 95 × 92 करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके इकाई का गुणा कर लीजिए, यानी 5 × 10 = 0 हाथ में या 1, फिर से इसका क्रॉस गुणा कीजिए, 9 × 18 18 हो गया, और 9 × 5 = 45, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63 होगा। और एक हासिल आया तो 64 का 4, 64 का 4 हाथ में या 6, और 9 × 9 = 81, और 6 कितना होगा? 87। आइए अगला देखते हैं। अगला है 325 का वर्ग होगा। 325 का वर्ग होगा, तो ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके बताइए 325 का वर्ग कितना होगा। अगर आपको समझ में आए तो यस लिखिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो लिखिएगा, फिर से बताइए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 62 × 63 का मान होगा। अब देखिए, यहाँ पे दो लगातार संख्याओं का गुणनफल करना हो तो कैसे करते हैं? तो एक तो हम देख ही चुके हैं
कि 62 उड़े अगर टी शर्ट करना हो, 62 उड़े टी शर्ट करना हो तो ये 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इसका गुणा कर लीजिए, 36 18 और 6 दूना 12 कितना होगा, 30, 30 का 0, 8 में या 3 और 36 और 3 कितना होगा, 39 0 6। अरे आपको आए तो ठीक है, न आए तो एक और तरीका है कि आप 62 का वर्ग निकाल लीजिए और इसमें 62 ही जोड़ लीजिए, 62 का वर्ग कीजिए और 62 ही जोड़ लीजिए। तो आइए देखते हैं दो संख्याओं का वर्ग करना। तो दो संख्याओं का वर्ग करना हो तो देखिए, दो का वर्ग कितना होता है, 4। फिर से दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12 और इसका 2 गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 और 2 ना 24, 24 के 4 हाथ में या 2 और 6 का वर्ग 36 और 2 38, 38 44 और इसमें कितना जोड़ना है, 62 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6, 10 का 0, 8 में 1, 9 39 0 6 आ गया। आइए समझते हैं एक और संख्या का वर्ग करना। तो देखिए दिया है 29 का मान होगा, 29 वर्ग, 29 का वर्ग का मान होगा, 29 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 29 यानी कि हम क्या करें, 9 का वर्ग कर लें। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, तो 81 का 1 लिख लीजिए और हासिल आया 8। फिर से दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 और इसका 2 गुना कर लीजिए, 9 दूना 18 दूना 36 और 8 44 का 4 हाथ में आया 4 और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 और हासिल कितना है, 4 यानी कि 841 होता है। बहुत ईजी है। एक और लेके समझते हैं, मान लीजिए हमको 36 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का वर्ग लिख लीजिए, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 हाथ में या 3 और इन दोनों का गुणा कर लीजिए, मतलब 6 और 3 का 36 18 और इसका 2 गुना कर लीजिए, 18 दूना 36 और 3 हासिल आया तो 39 का 9 हाथ में है 3 और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 और 9 3 12 यानी कि 12 96 इसका वर्ग होता है। देखिए दोस्तों ये कहाँ से कोई ट्रिक नहीं है, तो आप लोग बता दे रहे हैं बेसिक, कभी भूले ना। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बी का वर्ग लिख ले रहे हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं, मतलब ये अगर हम लिखें तो ए 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि सबसे पहले हम लास्ट का वर्ग कर रहे हैं, जितना हासिल आ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल के उसका 2 गुना कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट वाली संख्या का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो यहीं से ही आया है, कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 36 का वर्ग, जैसे 36 का वर्ग करना हो तो 36 गुणा 36 लिख लीजिए, अब इन दोनों का गुणनफल कीजिए, तो 6 6 का 36 का 6 हाथ में 1 और देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 36 18 और इसका 2 गुना कर दीजिए, 18 दूना 36 और 1 हासिल आया है, 3 हासिल आया है, तो 36 और 3 39 का 9 हाथ में 3 और इसका गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9 और 3 हासिल आया 12 96। आइए अगला देखते हैं। तो अगला है 78 का मान होगा, 78 का स्क्वायर का मान होगा, मतलब 78 का वर्ग करना है। तो देखिए दोस्तों एक और देखते हैं, 78 का क्या करना है हमको, वर्ग करना है। तो आप क्या कीजिए, एक स्क्वायर बनाइए जिसमें 4 स्क्वायर आप बना दीजिए, ठीक, और इसका क्या कीजिए, विकर्ण को मिला दीजिए, क्या कीजिए, विकर्ण को मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 लिख लीजिए और यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 8 यानी 78 हम लिख लीजिए, अब गुणा कर लीजिए, मतलब इसका इसमें 7 7 49, 7 8 56। आइए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा लीजिए कि लिखने में सुटेबल रहेगा, इसके विकर्ण को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम 78 लिख लें और यहाँ पे भी क्या करें, 78 लिख लें, अब इसका गुणा कीजिए, मतलब रो का प्रत्येक कॉलम में करेंगे,
तो 7 7 49, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए और यहाँ पे 9 लिख लीजिए। फिर से 7 8 56, यहाँ पे 56 लिख लिए। फिर से 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 8 8 64, ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, विकर्णवत जोड़ना है, मतलब जो विकर्ण के बीच में आए हैं, तो ये हो गया 4 6 6 12 18 का, 8 8 में 1, 5 1 6 9 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हाथ में है 2, 2 4 6, यानी कि 60 84 इसका वर्ग हो जाएगा। 60 84 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इजी रहेगा, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। 78 का वर्ग निकालना हो तो 8 का वर्ग कीजिए, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 8 में 6, फिर से दोनों का गुणा कर लीजिए, 8 7 56 और दोनों का दो गुना कर लीजिए, तो 56 दूना 112 और 6 हासिल है। 118 का 8 हाथ में 11 और 7 का स्क्वायर 49 और 11 कितना होगा 60, 60 84 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 28 गुणा 51 का मान होगा, 28 गुणा 51 का मान होगा। तो देखिए 28 गुणा 51 का मान अगर हमको निकालना है, तो देखिए अगर किसी दो अंकों में और उस सम संख्या और उसमें 51 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना है, जो सम संख्या है उसका आधा कर लीजिए, यानी कि 28 का आधा 14 और फिर से वही संख्या लिख लीजिए, मतलब 28। आया समझ में? चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए 64 गुणा हमको 51 करना है, कितना करना है 64 गुणा 51, तो 64 का आधा कितना होता है 32 और यही संख्या लिख लीजिए, यानी कि 64 32 64 आंसर आ गया। चलिए नहीं आया, देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए हमको 78 का 78 गुणा 51 करना है, तो 78 का आधा कितना हुआ 39 और यही संख्या लिख लीजिए, मतलब इसमें 51 से हम गुणा इजिली कर सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं, मान लीजिए हमको करना है 82 गुणा 51, तो 82 का आधा कितना होगा 41 और ये संख्या है 82, लिख लीजिए। तो अगर किसी भी सम संख्या दो अंकों की हो और उसमें 51 से गुणा करना हो तो उस संख्या का आधा कीजिए और वही संख्या लिख लीजिए। आइए देखते हैं अगला। अब देखें यहाँ पे एक एक का वर्ग करना है, मतलब ये लगातार एक इसका वर्ग करना है। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 1 हैं और इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक को गिन लीजिए, 6 1 आया है। अब 1 से 6 तक तो आप आरोही क्रम में लिखिए, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 से 6 तक लिख दीजिए और घटते हुए क्रम में 6 से 1 तक लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 के पहले 5 4 3 2 1, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए हमको 1111 का करना है, तो कितना 4 है, 1 2 3 4, ठीक 4 है, तो हम 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, फिर से इसे और वही क्रम में 4 के पहले 3 2 1 हो गया वर्ग। आया समझ में? नहीं आया, एक और देखते हैं, एकदम आएगा समझ में। देखिए कितने बार 1 आया, 5 बार आया है, तो 1 को 5 बार लिखिए, 1 2 3 4 5, फिर से 4 3 2 1। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि 62 541 गुणे 25 का मान होगा, 62 541 गुणे 25 का मान होगा। देखिए अगर किसी भी संख्या में हमको 25 से गुणा करना है, किसी भी संख्या में हमको किससे गुणा करना है 25 से, बहुत ईजी है। क्या कीजिए, जो संख्या दी गई उसमें 2 0 बढ़ाकर 4 से भाग दे दीजिए, यानी कि 62 54 1 और इसमें 2 0 बढ़ाइए और इसमें क्या कीजिए 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 से इसमें भाग दें, 4 करने 4 2 4 5 20, फिर से आया 25, 4 6 24, 14 4 3 12 21, 4 5 20, 4 2 8 और 4 5 20, इसमें हो गया 25 से गुणा। क्या हो गया, 25 से गुणा हो गया। देखिए ये बहुत ईजी है, क्यों हम 4 से 2 0 बढ़ाकर 4 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए हम 25 को लिख सकते हैं 100 बटे 4, 100 बटे 4, इसीलिए उस संख्या में 2 0 बढ़ाइए। मान लीजिए अगर हमको करना है 61 25 में,
25 का गुणा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 61 25 में 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ाए और इसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 4 4 5 20, 4 3 12, 4 4 4 2 8 और 4 5 20 हो गया, बहुत ईजी है। तो आइए आप लोगों को एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको इजी लगा कि नहीं। तो देखिए आप लोग करके दिखा दीजिएगा कि 25 6 25 में 25 से गुणा करना हो तो इसका मान कितना होगा, 98 का वर्ग कितना होगा, 85 का वर्ग कितना होगा। अगर 325 का तो वर्ग हम बता दिए हैं, आप लोग 425 का वर्ग करके बताइएगा। ये 4 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को आया समझ में और इसका कमेंट करके लोग बताते हैं कितने लोग। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।